नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बुधवार को महगांव के नुनहड़ गांव में चुनावी सभा लेने गई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती नाराज होकर लौट गई। दरअसल उनकी सभा के लिए हेलीपैड करीब 16 किलोमीटर दूर महगांव कृषि उपज मंडी में बनाया गया था। उमा ने माइक पर आते ही गुस्से में कहा कि मेरे पास समय कम है, मुझे 12 बजे वापस उड़ना है। जब हेलीपैड के लिए जगह नहीं थी तो सभा क्यों रखी, मैं फिर कभी समय दे देती। भिंड मुरैना में यह हमेशा ही होता है, सभा यहां करते हैं, हेलीकॉप्टर वहां उतरता है, इसके बाद वे 2 मिनट का भाषण देकर रवाना हो गई। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से ठीक 5 दिन पहले भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं दी गई, यानी उनकी फोटो गायब है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बीच अब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिग्विजय सिंह ग्वालियर से सपा उम्मीदवार रोशन मिर्जा से बातचीत कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय सिंह मिर्जा के चुनाव लड़ने का फायदा भाजपा को होने की बात कहते हुए सुना जा सकता है। इसमें दिग्विजय रोशन को नाम वापस लेने के लिए कह रहे हैं। सांवेर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें 15 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद बाजार चौक में हुई सभा में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम कलेक्टर के लिए अशोभनीय और धमकाने वाली भाषा का उपयोग करने पर दिया है। उपचुनाव में भाजपा के लिए सांवेर सीट सबसे अहम बन गई है, तभी यहां लगातार बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं। गुरुवार दोपहर एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां आ रहे हैं। वे सिलावट के पक्ष में यहां तीसरी सभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की घोषणा के बाद सिंधिया अपने करीबी की जीत पक्की करने लगातार दौरे कर रहे हैं। यही कारण है कि वे 13 दिन में दूसरी बार सांवेर पहुंच रहे हैं। उपचुनाव के मतदान को 6 दिन बचे हैं और प्रचार बंद होने में 4 दिन। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे व्यक्तिगत आरोप तेज होते जा रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन और बड़ा मलहरा के घुबारा में कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने सरकार नहीं गिराई बल्कि इन्हें जनता की आह और परमात्मा का कोप लगा है। कांग्रेस ने जनता से झूठ बोला, झूठे वादे किए और एक भी वादा नहीं निभाया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने सांची विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मदनलाल चौधरी के पक्ष में आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज को रायसेन जिले के लोगों ने 15 साल दिए, फिर भी सांची विधानसभा उपेक्षा का शिकार रहा। नकुलनाथ ने जनता से सांची को छिंदवाड़ा की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया है कि आपके जो मुख्यमंत्री है यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री बने रहे, 15 साल यहाँ के सांसद थे। मैं तो आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, 3 तारीख के बाद आप छिंदवाड़ा आइए और छिंदवाड़ा का विकास मॉडल देखिए। 10 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार वापस प्रदेश में आएगी तो सांची से क्षेत्र में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से ज्यादा विकास करके दिखाएंगे। सरकार बनने बचाने के साथ ये उपचुनाव कई बड़े नेताओं और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेंगे। इसमें 43 साल की राजनीतिक विरासत रखने वाले और 7 बार के विधायक रहे डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार हैं, तो स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव, सेंधव और जोशी परिवार के साथ कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल है। 10 नवम्बर को चुनाव नतीजों के साथ तय हो जाएगा कि भाजपा में इनका साथ और कितना रहने वाला है। इंदौर के एमजीएम कॉलेज के साथ ही भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 70-70 सीटों का इजाफा किया गया है, जबकि रीवा मेडिकल कॉलेज में 25 सीटें बढ़ाई गई हैं। ऐसे में प्रदेश में कुल 165 सीटों का इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई सीटों के साथ ही अब जीएमसी और एमजीएम में 250-250 सीटों पर और रीवा मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों पर एडमिशन होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने गंगवाल फूड्स, गंगवाल फ्लोर फूड्स के इंदौर और देपालपुर सहित 11 स्थानों पर छापामार कार्रवाई का रिकॉर्ड जब्त किया। टैक्स चोरी की आशंका में कार्रवाई की गई। छापे के कुछ घंटे बाद ही फर्म ने 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए। विभाग को आशंका है कि टैक्स चोरी का आंकड़ा 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है। गंगवाल समूह का संगम नगर में कार्यालय है, इसके अलावा देपालपुर में प्लांट भी है। बुधवार को अलग अलग टीम ने सभी स्थानों पर एक साथ सर्च किया, पुराना रिकॉर्ड भी जब्त किया गया। नगर निगम ने पानी का बिल 180 रुपए से बढ़ाकर 270 रुपए तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 50% तक की इस वृद्धि की वजह पानी सप्लाई की बढ़ती लागत बताई गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शहर में 380 छोटे बड़े लीकेज हैं। इसमें साल भर में 50 करोड़ रुपए का पानी बर्बाद हो जाता है। शहर में करीब 1 लाख अवैध नल कनेक्शन है। यदि निगम इस मिसमैनेजमेंट को रोक ले तो शायद पानी की दरें बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। पत्नी से मारपीट के मामले में निलंबित डीजी स्तर के आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरुषोत्तम शर्मा के निलंबन को सही मानते हुए पुष्टि कर दी, जिसके तत्काल बाद राज्य शासन ने चार्जशीट जारी कर दी। इसमें शर्मा के मारपीट वाले वायरल वीडियो की सीडी और उनके ही बेटे की शिकायत वाली प्रति को चार्जशीट के साथ सौंपा गया है। अब शर्मा की जल्द बहाली मुश्किल होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल में 2 दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां की। चर्चा ये हो रही है कि पायलट ने 9 सभाएं की, लेकिन उन्होंने एक बार भी सिंधिया का नाम नहीं लिया। ग्वालियर में पत्रकारों ने जब इस पर सवाल उठाया तो उन्होंने इतना ही कहा, मेरी मुलाकातें सबसे होंगी, लेकिन मैं मेरी पार्टी के लिए काम करने आया हूं और वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इधर जब सिंधिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं और कांग्रेस ही अपना, मैं किसी को सलाह देने वाला कौन हूं जो मैं उन्हें दूंगा, और जवाब तो मेरे भगवान जनता देगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी हितेश अलावा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने कहा कि सीबीआई ने ही डीजीपी को मामले की सूचना दी थी और उसे फर्जी तरीके से पीएमटी 2009 परीक्षा पास कर ग्वालियर स्थित राजा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। सीबीआई ने उसे क्लीन चिट नहीं दी, आदेश दिया कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। और शहर के मॉल, बिग बाजार में कोरोना गाइडलाइन टूटने पर निगम कमिश्नर ने नाराजगी जताई है। निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर स्पॉट फाइन लगाया जाए। निगम आयुक्त की तलखी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 85 लोगों से 10,000 रुपए जुर्माना वसूला। प्रशासक संभाग कमिश्नर चंद्रशेखर और निगम कमिश्नर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि त्यौहार में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है वो भारी पड़ सकता है। खासकर शहर के बड़े मॉल और बिग बाजार में लोग बड़ी संख्या में बिना मास्क के पहुंच रहे हैं। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसीएस सहित बुधवार को 203 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,392 हो गई है। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई। अब तक 499 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बुधवार को 166 मरीज ठीक हुए। अब तक 22,068 मरीज ठीक हो चुके हैं। मार्च के बाद पहली बार इंदौर में लगातार तीसरे दिन बुधवार रात को कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा शून्य रहा। इस 7 महीनों में कभी 2-3 तो कभी 6-7 मौतें दर्ज होती रहीं, पर अब महामारी का असर कम होने और मरीजों के घटने के कारण मृतकों की संख्या शून्य पर आई है। कोरोना काल का असर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ा है। इन्हें वेतन में 8% का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसकी 2 वजह है। पहली ये कि कोरोना संकट का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने इसका 5% डीए रोक लिया है। दूसरा कारण यह है कि बाद में काल्पनिक वेतन वृद्धि के नाम पर इनका 3% इंक्रीमेंट भी रोक लिया। ऐसा होने पर निगम मंडल मिलाकर प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता
के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज़ ऐप।